नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं महावीर सिंह एसोसिएट प्रोफेसर गवर्नमेंट लॉयर कॉलेज चूरू आप सभी बीकॉम पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस वेलकम स्टेटमेंट आई एम प्रोसीडिंग टुवर्ड्स अवर इम्पोर्टेंट लेक्चर रिगार्डिंग इश्यू ऑफ शेयर्स फॉर फ्यूचर एंड री इश्यू ऑफ शेयर्स पार्ट टू। ये अपने इसका एक वीडियो अपन पहले इसका कर चुके हैं, जिसमें सारे इससे संबंधित जो प्रावधान थे उनका अपन ने अध्ययन कर दिया था। आज हम इसका दूसरा महत्वपूर्ण जो पार्ट है इसका, वो एक तरह से हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जिसको हम कह सकते हैं, वो अपन इसमें आज देखेंगे कि उसका लेखांकन किस प्रकार से किया जाता है। कुछ इसके थ्योरेटिकल एस्पेक्ट अपन ने देखे थे, लेकिन अपन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें क्या करना होता है वो आज हम इसका अध्ययन करेंगे। ये अपन एक बात को अच्छी तरह से जानते हैं, जैसे एक एकाकी व्यापारी होता है उसका स्वामी कौन होता है, जो एकाकी व्यापार में धन लगाता है वो एकाकी व्यापार का स्वामी होता है। किसी फर्म के स्वामी कौन होते हैं, वो साझेदार होते हैं जो कि कंपनी उस फर्म में धन लगाते हैं। ठीक इसी प्रकार से एक कंपनी के स्वामी कौन होते हैं, जो कंपनी में धन लगाते हैं। कंपनी में धन तो कर्जा देने वाले भी लगाते हैं, ऋण पत्र धारी भी उसको उधार देते हैं, पैसे लगाते हैं, लेकिन वो कंपनी के स्वामी नहीं कहलाते। कंपनी के स्वामी का मतलब ये होता है कि जो कंपनी में पूंजी लगाते हैं उनको हम कंपनी का स्वामी कहते हैं, और ये कंपनी के जो स्वामी होते हैं उनको अपना अंशधारी कहते हैं, क्योंकि वही जो अंशों का जो कंपनी का एक जो अंश या पार्ट जिस व्यक्ति के पास होता है वो अंशधारी कहलाता है। तो उनको सबको मिलाकर के वो अंश पूंजी होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि शेयर होल्डर है इज द ओनर ऑफ ए कंपनी। तो किसी भी कंपनी का जो मालिक होता है वो अंशधारी होता है। ये जो मालिकाना हक होता है, चूंकि देश विदेश में फैले हुए होते हैं शेयर होल्डर्स, तो जितने पार्ट तक उसने कंट्रीब्यूट किया है उतने हिस्से तक वो स्वामी माना जाता है। तो यहां पर ये क्या है कि इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जब अपने एक बात का अध्ययन किया, जैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति से पैसा प्राप्त होता है अक्ष व्यक्ति से, तो बैंक अकाउंट डीआर टू अक्ष करते हैं, राइट। लेकिन यहां पर चूंकि कई लाखों की संख्या में शेयर होल्डर्स फैले होते हैं, तो एक एक व्यक्ति के नाम से एंट्री नहीं की जाती है। जब उनसे पूंजी की राशि प्राप्त होती है तो उनकी सारी राशि को एक जो है, जैसे आवेदन राशि प्राप्त होती है तो एक एप्लीकेशन अकाउंट उन सबको एक सामूहिक रूप से खोला जाता है और उसमें वो राशि जमा की जाती है, न कि किसी व्यक्तिगत रूप से। ठीक इसी तरीके से अगर किसी व्यक्ति को मान लीजिए कोई कंपनी डिविडेंड का भुगतान करेगी, तो उस व्यक्ति के नाम न लेकर के डिविडेंड एक खर्चे की तरह वो लेता है और डिविडेंड को डेबिट करके टू बैंक अकाउंट कर देते हैं। तो यहाँ पर इसमें व्यक्ति के नाम से, वैसे व्यक्ति के नाम से जो है वो, जैसे मान लीजिए अंशों का रजिस्ट्रेशन होता है, उनके अकाउंट अलग होते हैं, लेकिन जब एंट्रीज जो होती है ना उनके लिए अपन एक सामूहिक रूप से एंट्री की जाती है, अलग एंट्री नहीं की जाती है। तो यहाँ पर ये अपन कह सकते हैं कि भाई वो राशि के रूप में, जैसे कहा कि भाई बैंक अकाउंट डीआर टू शेयर एप्लीकेशन, फिर शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर टू शेयर कैपिटल। तो अब ये कैपिटल में जब ट्रांसफर हो जाती है वो राशि के एप्लीकेशन मनी या अलॉटमेंट मनी या फर्स्ट कॉल मनी, तो कहाँ जाती है, शेयर कैपिटल में जाती है। तो एक्चुअल में क्या हुआ कि शेयर कैपिटल अकाउंट को सामूहिक रूप से ही इसका खोला जाता है। जैसे कई बार क्या होता है कि मान लीजिए एक फर्म है, फर्म के भी कैपिटल होती है, लेकिन फर्म की कैपिटल होती है तो उसमें तो अपन क्या लिखते हैं, जैसे जो पार्टनर्स होते हैं उसमें ए ने कितना लगाया, बी ने कितना लगाया, सी ने कितना लगाया, वो अपन अलग अलग दिखाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं होता है, वो फिजिबल भी नहीं है दिखाना, इसलिए एक साथ ही शेयर कैपिटल के नाम से जो है वो बैलेंस शीट में शो की जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि अलग अलग खाते कैपिटल के न खोल के एक साथ शेयर कैपिटल अकाउंट का नाम से खोलते हैं,
उनका व्यक्तिगत ऋण जरूर उनका रजिस्टर रखा जाता है, क्योंकि उसमें रखना इसलिए जरूरी होता है कि उसके पास कितने शेयर हैं, वो शेयर मार्केट में बेच देता है तो फिर जो नया ओनर आ जाता है उसका रजिस्टर में नाम लिख दिया जाता है और उसके आगे जितने भी उसके पास शेयर होल्डर है वो उसके उसका, क्योंकि उसका व्यक्तिगत होना भी इसलिए जरूरी होता है रजिस्टर में नाम कि जब कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होती है, वार्षिक सभा होती है, तो उसके अंदर उसकी वोटिंग के लिए उसको बुलाना पड़ता है, तो वो जो उसके वोटिंग राइट्स हैं वो उसके अंशों की संख्या तक होते हैं, तो जिसका उस रिकॉर्ड डेट को किसी व्यक्ति के जब जो है वो या जो डेट रखते हैं वो क्लोजिंग डेट, उस डेट को जो शेयर होल्डर के जिसका नाम रजिस्टर में लिखा होता है उसी को वोटिंग राइट होता है, दूसरे को नहीं होता, इसलिए उसका रजिस्टर में नाम तो होना जरूरी होता है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया एंट्री नाम से नहीं की जाती हैं, वो लेखांकन प्रविष्टियां जो होती हैं वो सामूहिक रूप से की जाती हैं। यहाँ पर एक बात यह है कि सबसे पहली बात यह है कि जब पूंजी का भुगतान होगा, तो जैसे मैंने पीछे आपको सारी बातें बताई थी कि किस तरीके से प्रवीण जारी किया जाता है, एक निमंत्रण दिया जाता है और उसके बाद में आगे की कार्रवाई संपन्न होती है। यहाँ पर क्या है कि इम्पोर्टेंट बात यह होती है कि जो भुगतान है वो जैसे मान लीजिए कोई 100 रुपये वाला अंश है और उसके ऊपर एक साथ भुगतान मांग लिया गया, ये इसको हम लंप सम अमाउंट का पेमेंट कहते हैं, या एक मुश्त भुगतान नहीं माना जाता तो किस्तों में भुगतान मांगा जा सकता है, तो दोनों पोजीशन में कोई सी भी हो सकती है। तो मान लीजिए किसी एक मुश्त भुगतान अगर किया जाता है एक साथ, जैसे 100 रुपये वाले अंश हैं, मान लीजिए 1,00,000 अंशों के लिए जो है वो निमंत्रण जारी किया और आवेदन राशि मांगी, तो यहाँ पर जो है 1,00,000 को अंशों से जब हम गुणा करते हैं तो मान लीजिए जो है 1,00,00,000 रुपये की राशि आती है, तो वो एक साथ ही इसकी एंट्री कर दी जाती है और वो एंट्री बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट होता है, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ ही हो जाते हैं क्योंकि अलग कोई किस्त होगी नहीं, और इसके बाद में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट या टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी है तो इक्विटी लग जाएगा, प्रेफरेंस है प्रेफरेंस लग जाएगा, अथवा अपन यहाँ यही लिखते हैं कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या टू एप्लीकेशन अलॉटमेंट या टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और वो जो अलॉटमेंट और एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर हो जाएगा। तो भाई यहाँ तक की बात इतनी हुई, लेकिन मान लीजिए आवेदन के ऊपर अधिक राशि प्राप्त हो जाती है, ज़्यादा राशि के लिए आवेदन आ जाते हैं, आवेदन पत्र जैसे मान लीजिए प्रवीण ने 1,00,000 अंशों के लिए जारी किया लेकिन 2,00,000 अंशों के लिए आवेदन आ गई, तो अब बाकी जो 1,00,000 अंश धारक हैं उनको तो वापस लौटाना पड़ेगा ना पैसा, तो ऐसे आवेदकों को वापस लौटाना पड़ेगा राशि, तो फिर जो भी राशि तो 1,00,000 के ऊपर जो आवेदन राशि आई मान लो एक्स्ट्रा, तो वो वापस लौटाने के लिए रिफंड की एंट्री करनी पड़ेगी, और इसके लिए शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डीआर यानी वापस उसको डेबिट कर देंगे, टू बैंक अकाउंट कर देंगे, जो प्राप्त करने पर पुष्टि की थी उसकी विपरीत पुष्टि हो जाएगी, तो ये रिफंडेड की एंट्री कर देंगे। तो ये यहाँ पर तो ये प्रक्रिया इतनी ही होती है, इसमें ज़्यादा प्रक्रिया नहीं है, एक साथ ही सारा काम निपट गया। लेकिन मान लीजिए इन किस्तों में अगर भुगतान होता है, निर्गुण मूल्य का किस्तों में भुगतान होता है, तो डेफिनेटली किस्तों में भुगतान होगा तो फिर किस्त के हिसाब से एंट्री करेंगे, तो सबसे पहले जैसे रिसीट ऑफ एप्लीकेशन मनी जब रिसीट होती है तो वही एंट्री अपन करेंगे बैंक अकाउंट या टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन इतने इतने शेयर पर शेयर के हिसाब से कितनी किस्त की राशि प्राप्त हुई है और कितने शेयर्स की प्राप्त हुई है, तो अपने को लिखना होता है नीचे कि एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन इतने शेयर्स की एप्लीकेशन रिसीव हुई और एट द रेट ऑफ ये पर शेयर, तो ये अपन करेंगे और जितनी राशि रिसीट होती है उतनी पूरी की पूरी राशि बैंक में राशि प्राप्त होती है उसकी एंट्री कर दी जाएगी। जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया था कि जो ये जितने भी बैंक में पैसा प्राप्त होता है तो बैंक समय समय पर जितनी भी एप्लीकेशन आती हैं उनकी सूची बना करके और उनके डॉक्यूमेंट को है उसके आवेदन पत्र को है वो सूची बना करके समय समय पर कंपनी के पास भेजती रहती है, और जैसे जैसे राशि आती जाती है कंपनी उसकी यही एंट्री करती जाती है। तो इसके बाद में ये बात मतलब ये एंट्री कुल मिला करके सारी एप्लीकेशन को मिला करके एंट्री कर देगी कि भी टोटल एप्लीकेशन कितनी आई हैं। उसके बाद में फिर क्या होता है दूसरी कार्यवाही आगे एप्लीकेशन मनी के बाद में अलॉटमेंट होता है शेयर्स का, तो जब डेट ऑफ अलॉटमेंट को जब अलॉटमेंट होगा तो ऐसी स्थिति में उसको ट्रांसफर किया जाएगा एप्लीकेशन मनी को, तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट या टू शेयर कैपिटल अकाउंट करेंगे, और जो अमाउंट रिसीव हुई है उसकी अपन राशि उसमें लिख देंगे, तो ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी टू शेयर कैपिटल ऑन अलॉटमेंट
कितने शेयर्स का एलोटेड शेयर्स जो थे उनकी राशि से अपन करते हैं। ये एंट्री हमेशा ध्यान रखना, ये एप्लीकेशन जो आती है अंशों के आवेदन आते हैं उनसे अपन गुणा नहीं करते इसको, जितने के लिए प्रवीण जारी किया गया है। अगर मान लीजिए आवेदन संख्या ज्यादा है तो, लेकिन अगर मान लीजिए 90 और 100% के बीच में है तब तो फिर जितने आवेदन आएंगे उनको गुणा करेंगे अपन एप्लीकेशन जो किस्त है उससे। लेकिन यदि मान लीजिए अधिक अभिदान हो जाता है तो ऐसी स्थिति में जितने निर्गमित शेयर होते हैं इश्यूड शेयर होते हैं, इश्यूड कभी भी जितने प्रवीण जारी करता है उससे ज्यादा निर्गमित नहीं कर सकते। तो ऐसी स्थिति में जितने के लिए निमंत्रण दिया है उन शेयरों को उसके आवेदन की किससे गुणा करेंगे तब ये राशि आएगी, वो राशि आपको यहाँ लिखनी होती है। इसके बाद में अपन आते हैं कि जो अलॉटमेंट मनी की डिमांड की जाएगी, जब अलॉटमेंट कर दिया जाता है तो अलॉटमेंट की किस्त अलॉटमेंट के साथ ही मांग ली जाती है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट ये अपन एंट्री करते हैं, क्योंकि अलॉटमेंट मनी ड्यू हो जाती है ऑन इतने शेयर एट द रेट ऑफ इतने पर शेयर, तो अलॉटमेंट की किस्त से हम गुणा कर देते हैं निर्गमित शेयरों की संख्या को, तो ये राशि आ जाती है। इसके बाद में अलॉटमेंट मनी रिसीव होती है, तो रिसीव होगी तो यहाँ पर जो है वो बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कर देंगे तो राशि आ जाएगी। और इसके बाद में ये प्रक्रिया यहाँ पर चलती रहती है। हालांकि थोड़ी बात मैं यहाँ पर भी आपको बता देता हूँ कि अपन इसको नीचे देखेंगे, यदि अभिदान की स्थिति में प्रोरेटा बेसिस करते हैं फिर किस तरीके से रिफंड करते हैं और कितने की हुआ, तो वो प्रक्रिया अपन आगे समझेंगे वहाँ पर ये। लेकिन यहाँ ही थोड़ा सा मैं बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर मान लीजिए अधिविधान की पोजीशन होती है तो ऐसी स्थिति में जिन अंशधारियों को पैसा वापस लौटाया जाता है उनको मनी रिफंड की जाती है, और रिफंड करने के लिए वही जो अपन ने अभी ऊपर किया है उसी प्रकार से इसके अंदर रिफंड की जो है वो लिख दिया जाता है। और इसके लिए एंट्री है वही एंट्री अपन करते हैं कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR या शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू बैंक अकाउंट, तो वो अमाउंट रिफंडेड हो जाती है। तो अभी अधिविधान का अपन आगे एक सेपरेट शीर्षक के अंतर्गत देखेंगे, फिलहाल अपन इतनी लेते हैं सीधे सीधे जितने निर्गमित अंशों की संख्या के हिसाब से ही। तो इसके बाद में जब फर्स्ट कॉल आएगी तो उसके लिए भी डिमांड की जाएगी, तो डेट ऑफ फर्स्ट कॉल अपन लिखेंगे और इसके अंदर भी फर्स्ट कॉल DR टू शेयर कैपिटल काउंट कर देंगे, और फर्स्ट कॉल ड्यू ऑन इतने शेयर एट द रेट ऑफ पर शेयर जो किस्त होती है वो राशि, तो निर्गमित अंशों की संख्या से फर्स्ट कॉल से गुणा कर देते हैं और वो राशि आ जाती है। इसी प्रकार से जो फर्स्ट कॉल रिसीट होती है तो बैंक अकाउंट DR टू फर्स्ट कॉल कर देते हैं। ये प्रक्रिया और आगे की जो सेकंड कॉल फाइनल कॉल की जितनी भी कॉल होती हैं तो इसी तरीके से कॉल ड्यू होना और प्राप्त होना ये एंट्रीज हम करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन और साथ ही एक बात और है कि यदि इक्विटी और प्रेफरेंस अलग अलग कोई प्रवीण जारी किया होता तो हम प्रत्येक के लिए अलग अलग एंट्री करते हैं, इक्विटी शेयर के लिए अलग करेंगे प्रेफरेंस शेयर के लिए अलग करेंगे, ठीक है। और इसके बाद में यदि किसी भी मान लीजिए कोई किस्त ड्यू होती है और उस किस्त की राशि जो होती है वो पूरी राशि प्राप्त नहीं होती है, कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है या दो व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं या दो से अधिक व्यक्ति भी हो सकते हैं जो उनकी जो मांग राशि है जो कि बंटन की किस्त हो सकती है या कोई मांग राशि हो सकती है, तो उन राशियों में से किसी भी कोई भी किस्त, मतलब कहने का यहाँ पर किस्त से अभिप्राय है आवेदन के बाद की, कोई भी किस्त का भुगतान जब वो नहीं करते हैं तो मान लीजिए वो नहीं करता है तो व्यक्ति को जितनी राशि उस किस्त की ड्यू है उस ड्यू राशि को हम बकाया मांग कह देंगे। सीधी सी बात है, जो राशि पेमेंट करनी थी वो नहीं किया तो वो बकाया मांग हो गई, जिसको हम कालसीन एरियर के नाम से जानते हैं। ये बकाया मांग जो होती है वो उसको हम कालसीन एरियर कहते हैं। अब बकाया मांग के बारे में थोड़ा सा अपन यहाँ देख लेते हैं कि क्या ट्रीटमेंट होता है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। जब बकाया मांग की पहली बात तो किसे कहते हैं, ये अभी भी आपने बता दिया है कि जब कभी कभी जो कुछ अंशधारी होते हैं अंशों के सामने उनसे मांगी गई जो राशि होती है बंटन या मांग राशि का भुगतान है वो निर्धारित तिथि तक नहीं कर पाते हैं, तो ऐसी न चुकाई गई राशि को बकाया मांग बंटन या मांग राशि को बकाया मांग कहते हैं। और ऐसी उदाहरण में जैसे उदाहरण दिया गया कि भाई 100 रुपये वाले 10,000 अंशों का निर्गमन किया और 50 रुपये आवेदन पर 30 रुपये बंटन पर, और इस तरीके से दे थे एक अंशधारी मिस्ट्रक्स ने 100 अंशों को बंटित थे और बंटन और मांग राशि का भुगतान उसने नहीं किया, तो ऐसी स्थिति में 30 और 20 50 रुपये के हिसाब से 100 अंशों के ऊपर 5,000 रुपये का भुगतान था वो नहीं किया है, उसमें 3,000 बंटन के नहीं दिए और 2,000 रुपये प्रथम मांग के नहीं दिए, तो 5,000 रुपये उसकी बकाया मांग हो गई।
तो जब मान लीजिए सारी मांगे मांग ली गई है और फिर उसके बाद में बैलेंस शीट बनाई जाती है, तो उसकी बकाया मांग 5,000 रुपये शो हो गई। अब बकाया मांग के बारे में क्या क्या बातें हैं, जैसे एक तो बकाया मांग के ऊपर ब्याज का, ये सब चीजें अंतरनियमों में प्रावधान होते हैं, उसके हिसाब से अगर कोई बकाया मांग रहती है तो जिस डेट तक बकाया मांग प्राप्त हो जानी चाहिए थी उस डेट के बाद में से उस डेट से लेकर के बाद में जब भी वो बकाया मांग प्राप्त हुई उस तिथि तक की जो अवधि होती है उसकी उससे ब्याज है वो 10% वार्षिक दर से ब्याज लिया जाता है, उसके ब्याज है वो लिया जाता है, लेकिन इसके लिए अंतरनियमों में प्रावधान होता है। तो एक बात तो ये है, दूसरी बात ये है कि इसका लेखांकन किस प्रकार से किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात होती है। तो इसके लेखांकन के दो तरीके होते हैं और मोस्टली जो पहला तरीका है वही कंपनी फॉलो करते हैं, यानी उसको हम क्या करते हैं कि चूंकि अपने एक सीधी सी बात हुई कि जैसे बैंक अकाउंट या टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट या सेकंड फाइनल अकाउंट अकाउंट मान लीजिए 3,000 2,000 रुपये होना था और वो नहीं हुआ, या टू शेयर अलॉटमेंट 3,000 होना था, टू शेयर फाइनल कॉल 2,000 होना था, वो नहीं हुआ, तो इतने से शेयर अलॉटमेंट और शेयर फर्स्ट कॉल है वो टुकड़ों में आकर के दोनों 5,000 रुपये से जो है वो डेबिट रह गए। यानी वो क्रेडिट तो कब होते हैं जब वो उसका भुगतान करता है, जैसे अभी ऊपर वाला एग्जाम्पल अपन देख रहे थे, तो वो डेबिट रह गया तो उसका बैलेंस रह गया। तो इस बैलेंस को जो है वो बैलेंस शीट के अंदर किस प्रकार से शो किया जाता है, एक तो इंपॉर्टेंट बात ये होती है। तो पहली स्थिति के अंतर्गत तो क्या होता है कि जब उसका लेखांकन नहीं किया जाता बकाया मांग के नाम से, जो भी राशि बकाया है जैसे 5,000 रुपये उसको कॉल्ड अप कैपिटल में से लेस करके 5,000 रुपये कम करके दिखा देंगे। जैसे मान लीजिए कॉल्ड अप कैपिटल है वो मान लीजिए 1 करोड़ रुपये होती है, तो फिर ऐसी स्थिति में जो है वो 99,95,000 रुपये जो है वो वास्तव में पेड अप कैपिटल कहलाएगी, उसकी जो कॉल्ड अप कैपिटल हुई टोटल मिलाकर के 1 करोड़, लेकिन उसमें से 5,000 रुपये का पेमेंट नहीं हुआ तो कॉल्ड अप कैपिटल में से और 5,000 रुपये लेस करके और फिर राशि दिखाई जाएगी 99,95,000 रुपये। तो एक तो तरीका ये, और यही तरीका मोस्टली जो है वो कंपनी फॉलो करते हैं कि वो अपनी बैलेंस शीट के अंदर जब वो दिखाती हैं कि भाई इश्यूड कैपिटल अथॉराइज इतनी, फिर इश्यूड इतनी, फिर इसके बाद में सब्सक्राइब और पेड अप कैपिटल जब दिखाती हैं तो वहां पर वो देखते हैं कि भाई इतने रुपए कॉल्ड अप हुआ और लेस उसमें से इतने करते तो पेड अप आ जाएगी, तो वो पेड अप कैपिटल हो जाएगी, तो वो हम 5,000 रुपये। दूसरा तरीका ये इसका ये होता है कि यदि कोई कंपनी इसकी एंट्री करना ही चाहती है तो प्रविष्टि करना ही चाहती है मान लीजिए, तो वो कालसी एंट्री के नाम से खाता खोल देगी, तो कालसी नरियर अकाउंट DR कर देगी और टू जो है वो अलॉटमेंट और टू फर्स्ट कॉल कर देगी मान लीजिए 3,000 और 2,000 से। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अलॉटमेंट खाता बंद हो जाएगा और जो फर्स्ट कॉल अकाउंट भी बंद हो जाएगा, और जो कॉल सिनेरियो अकाउंट जब खुलेगा तो उस कॉल सिनेरियो अकाउंट को लेस करने के बजाय ऐसी स्थिति में उसको असेट साइड के अंदर मिसलेनियस में या उसको कॉल सिनेरियो उसमें जो है वो करंट असेट्स के अंदर उसको शो कर सकते हैं कि ये बकाया है मांग की, बकाया राशि मांग है कि जो बकाया राशि कहलाएगी वो, तो उसको वहाँ शो कर सकते हैं कि वो उसकी असेट के रूप में उसको लिखाया जा सकता है असेट में। लेकिन मोस्टली कंपनी जैसे मैंने आपको बताया केवल कार्यशील एरियर को सीधे ही लेस करके लिखते हैं, उसको अलग से खाता नहीं खोलते हैं। तो ये जो है वो ये इस तरीके का जो ट्रीटमेंट है वो बकाया मांग राशि के बारे में हम करते हैं। यहाँ पर एक बात और जो है वो अपन ने देखी नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको फिर बता देता हूँ कि जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति का कालसिन एडवांस होता है, कोई अग्रिम भुगतान कर देता है, तो उसका भी अपने को ध्यान रख लेना है, ये बात आगे भी आ जाएगी, क्योंकि जैसे बकाया मांग रही है उसी प्रकार से कोई कालसिन एडवांस की भी हो सकता है कि जैसे मान लीजिए उसने बंटन के साथ ही और आगे की मांग राशियों का भुगतान भी कर दिया तो कौन बार बार चेक कटेगा, ये साथ ही उसने आगे की मांग की राशि का भुगतान भी कर दिया, क्योंकि कंपनी ने अभी उसको मांगा नहीं है इसलिए वो ड्यू नहीं हुआ है, इसलिए उसको फर्स्ट कॉल को ड्यू नहीं किया है, उसके बावजूद भी उसने फर्स्ट कॉल का पेमेंट कर दिया, इसलिए फर्स्ट कॉल को तो अपन कहीं एंट्री तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि एंट्री तो तब कर सकते हैं ना जब वो फर्स्ट कॉल मांगी जाए। उसने अलॉटमेंट के साथ ही उसने 20 रुपये की लास्ट किस्त का मान लीजिए किसी एक व्यक्ति ने भुगतान कर दिया 2,000 रुपये, तो फिर ऐसी स्थिति में उसको डेबिट क्रेडिट करने का सवाल तो तब करेंगे ना जब फर्स्ट कॉल ड्यू होगी और प्राप्त होगी, इसलिए जब अग्रिम प्राप्त भुगतान कर दिया उसको अलॉटमेंट की किस्त के साथ में, तो ऐसे अग्रिम भुगतान को हम कालसिन एडवांस अकाउंट में जमा करते हैं,
बैंक अकाउंट या टू कॉल्स इन एडवांस काउंट करते हैं, और ये कॉल्स इन एडवांस काउंट को एक्चुअल में ये कैपिटल तो है नहीं, कॉल्स इन एडवांस काउंट एक्चुअल में कैपिटल तो है नहीं, लेकिन चूंकि इसको ये क्रेडिट अकाउंट का बैलेंस है, ये बैंक अकाउंट में आ गई राशि, तो कॉल्स इन एडवांस को इधर कैपिटल के साथ नीचे लिख करके उसको दिखा देते हैं, लेकिन उसको कभी भी जो है वो उस तरीके से अपने को नहीं दिखाते कि भाई वर्ष के अंत में, यदि मान लीजिए कॉल्स इन एडवांस वर्ष के अंत में रहती है, अगर वो मांग ली जाती है तब तो एडजस्ट हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, नहीं तो फिर उसको इधर लाइबिलिटीज में कहीं इसमें शेयर कैपिटल के नीचे उसको लिख दिया जाता है, ऐड करके नहीं लिखते लेकिन उसको नीचे अलग से दिखा देते हैं उसको। तो ये जो है वो एक तरीका हो सकता है कॉल्स इन एडवांस के बारे में, अदरवाइज अगर मांग ली जाती है तो फिर वो कॉल्स इन एडवांस है वो आगे की किस्त में फर्स्ट कॉल में उसको समायोजित कर दिया जाता है। तो ये तरीका जो है वो कॉल्स इन एरियर के बारे में, कॉल्स इन एडवांस के बारे में और उनके लेखांकन के बारे में ये होता है। ये एंट्रीज अपन ने यहाँ पर सब तरीके की एंट्रीज अपन ने देख ली हैं जो नॉर्मली होती हैं, और अगर कोई अधिविधान वाली पोजीशन की अपन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर उसका अध्ययन करेंगे अपन। ये सब एंट्रीज आपको बहुत अच्छी तरीके से आप पढ़ के भी आए होंगे, लेकिन एक बार अपन जैसे इसीलिए क्या है कि अपन दो तीन ऐसे वीडियो अपन कर लेते हैं जिसके अंदर आपकी वो सब चीज़ें रिफ्रेश हो जाती हैं, तो उनकी कुछ प्रैक्टिस भी आप करना। सारी चीज़ें आपने खूब एंट्रीज की होंगी, लेकिन चूंकि सिलेबस का एक पार्ट है इसलिए इसको अपन ऐसे नहीं छोड़ सकते, इसलिए इसका अध्ययन अपन एक बार है वो अपन इसको प्रैक्टिस के लिए इसकी कुछ एक दो क्वेश्चन भी अपन इसके प्रैक्टिस के हिसाब से करेंगे। तो पहले इसकी जो बातें हैं वो मुख्य मुख्य प्रावधान है उसको अपन समझ लेते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।